चाची ठीक है वो तो बड़ी खाना लसन क्या बहुत कम है। हाँ वही तो यहाँ इतना बचा है कि सारे गांव वाले सारी इलाके वाले आएंगे तभी खत्म नहीं होगा खत्म नहीं बस बाकी सही लगा उनको भी ऐसे छोटे बच्चों की तरह या मतलब हमारी तरह कभी बचपना देख के मुझे बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी राखी बंधु के घर से। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है शिवालय में जाने की और आज सावन का आखिरी सोमवार है तो हर हर महादेव और भोलेनाथ आप लोगों पे भी कृपा बनाए रखें और मेरे पे भी कृपा बनाए रखें। बाकी अभी हमारी तैयारी हो रही है शिवालय में जाने की। तो वैसे तो सुबह जाना चाहिए था मंदिर शिव जी में जल चढ़ाने के लिए लेकिन आज घर में भी बहुत काम हो रखा था और फिर मैंने बोला बाद में जाना है तो कोई बात नहीं आज लेट ही जाएंगे। तो अभी चढ़ाना है हमें शिव जी में जल। कुछ लोग तो सुबह चढ़ा के आ गए थे और कुछ लोग अभी चढ़ाएंगे। कुछ लोग भी क्या शायद मुझे लगता है मैं और राखी है बाकी सभी लोग तो शिवालय में चले गए और आज शिवालय में भंडारा भी है तो आज तो सभी लोग वहीं मिलेंगे और हमारा टाइम अब हो रहा है। तो अभी तक हम गाय के साथ थे और फिर इतना टाइम तो लग ही जाता है गाय के साथ फिर घर लाओ और फिर अब जाके हम सभी लोग मंदिर में जा रहे हैं और लोग तो चले गए यहाँ पे मैं राखी और बंधु है तो हम तीनों जा रहे हैं और अब बाकी की वीडियो शिवालय में ही बनाएंगे। सूजी और आलू की सब्जी। अच्छा और आपने हमारे इंतजार भी नहीं किया।
आप लेट हो तो हम क्या करें। हाँ खा लिया, खाली प्लेट दिखा रहे हो मुझे। बस ऐसा दिखा रहे हो कि हमने खा लिया है। अरे तो तुम लेट आए ना, हाँ हमारी क्या गलती है भाई। बिल्कुल वो तो है। भाभी ठीक बना है खाना? बढ़िया बढ़िया। इधर बढ़िया बढ़िया, मस्त मस्त। इधर दीदी कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा पूरी है, हलवा है, सब्जी है। कितनी पूरी खाई आपने? मैंने दो पूरी खाली, दो रही है। अच्छा दो, बहुत अच्छा बना। दो और खाओ ठीक है। बहुत अच्छा। इधर भाभी कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा भाव। कितनी पूरी खाई फिर? चार। झूठ तो नहीं बोले, आठ खाली होगी क्या? हाँ गोड़ दबल गई चढ़िया। इधर किट्टू, किट्टू किट्टू के लिए गरम हो रखा भी। अच्छा गरम हो रखा तो किट्टू की मम्मी ठंडा करके खिलाएगी। हाँ किट्टू तो दादी कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। कितनी पूरी खाई? चार। चार झूठ तो नहीं बोले, आठ खा लियो। और ताई जी? हाँ अच्छा हो रहा है। आप तो अभी कर रहे हो शुरू है ना? आप तो हमारे तो चार खाए, अभी चार और खाएंगे। चार खा चार ये तो खा लो। वही तो वो दांत मुलायम दिया बोलो तो वो दांत तो खुल। अच्छी बनी है बाबू पूरी? अच्छा हो रहा है खाना? आज इधर है दीक्षा। अच्छा हो रहा है। अब माता खिलानी चपे है। परू कैसा हो रहा है फिर खाना? मस्त बना है, मस्त। और इधर इन दोनों ने तो हमारा वेट भी नहीं किया है और मुस्कुरा रहे, बस शर्म भी नहीं आ रही इनको। अरे रुद्री, हाय मौसी बोल। रुद्री ने खा लिया खाना? हाय मौसी खा लिया। अब खा रहे जो कैमरा जन है, अब खाना है, अब खा रहे। अच्छा वाला खा रहे। और आपने आपने खा लिया खाना? पच भी खाए तो पच गए दादी। कितनी पूरी खाई आपने? बता नहीं बता नहीं हाल कदी की दाग लगो दू नहीं बता नहीं बिल्कुल ना कदी की है खेती बस वही तो वही याद को खेचा वही तो। तो खाने में बनाया हलवा, आलू का झोल और पूरी और रायता। तो कैसा हो रहा है ताऊ जी खाना? बढ़िया बन रहा है। ना ना मेरे तुम्हारी बना। तो यहाँ पे पूरियाँ बन रही है और पूरियाँ बनाने वालों की संख्या ज्यादा दिख रही है, हैं? बिल्कुल साफ आ रही है फोटो। खाने वाले संख्या क्या? बहुत कम है। हाँ वही तो यहाँ बचा है कि सारे गांव वाले सारे इलाके वाले आएंगे तभी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा, रात को खिला देना अब सबको। अरे तो खाने वाले से है ना रात को। वही तो, अरे ही नहीं खिला देना ना जो अभी आ रखे हैं। जो आ रखे तो उनको दे दिया, इतने तो कुटरे घर भी भेज दिए। घर भी भेज दिए तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं घर में चले जाए। वही तो अब खाने वाले भी हो गए, अब लेके आ गया पूरी। अब जितने यहाँ पे पकाने वाले हैं उतने ही हो रहे हैं। दोबारा दोबारा खाओ ना, कुटरी तो ले गए पर आटा भी ले जाओ। आटा भी ले जाना है, इधर भी दिखाना है। रायता बनाया इन्होंने? अच्छा रायता भैया ने बनाया, हरा बना दिया। तो खाना तो सब अच्छा ही बना था रायता, लेकिन और ज्यादा टेस्टी बना था। पापा पूरी कच्ची थी आपने बनाई? नीचे देखना पूरी कच्ची तो नहीं थी, पर रायता सबसे अच्छा हो रहा था। पूरी बनाया, अच्छी बन रखी है पूरी। और आपने क्या बनाया भैया? मैंने कुछ नहीं बनाया भैया ने बाटा बनाया। अच्छा अच्छा वो सबसे इम्पोर्टेंट छत्ती है। अच्छा ऊपर ऊपर आ रही है पे ताऊ जी और दोनों भैया को पूरी बनाने की ड्यूटी मिली है। पूरी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है सारी। तुम गणित पण साकूणो भाई? हां भाई जी गोल पूरी नहीं बन रही बस। भैया बोल रहे बोल टेढ़ी मेढ़ी बन रही है बस। ट्रेन बनाई जो हां भाई जी अच्छी बनी ट्रेन है। और क्या वही तो ट्रेन भी कैल बनाने ना, ट्रेन भी तो बन वही तो ट्रेन भी तो जाना बिल्कुल गोल गोल। रायता आपने बनाया था? रायता क्या पूरे सब? अच्छा सब मेटेरियल संजू भाई जी बड़े से रह रहे क्या? लगाया था
रेल फल तो कैसा हो रहा है साग का खाना? अरे मुंडी लूप कह रहे हैं तो ताऊ जी कैसा हो रहा है खाना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। भंडारे का खाना तो मस्त ही होता है ना? और रायता टेस्ट किया आपने? हाँ रायता मिर्च हो रहा है आपके लिए? और गोलू बढ़िया हो रखा है, कैसा हो रहा है ताऊ जी खाना? टेस्टी है। अच्छा भाई आने तो मेरे आते ही मेरी बेइज्जती कर दी, बस तुम मदद करना और खाना बनाने नहीं आए और केवल वीडियो बनाने। तो वीडियो बनाने में आप काम चीज नहीं विवेक करना काम करना नहीं क्या छह जी वो? अरे आज गोर तक भेज देने उम्मीद है यार, वो बाप तो भेजा था वो बाप मन वो दी केवल दी बस उड़ दी। अरे वीडियो बनाना चाहिए आज का छड़ा पे छड़ा था बोलो छड़ा हम वीडियो भी दिखाई और छड़ा भी दिया का छड़ा था हम बाघ भगाते छ हम देख नहीं तुम ने हां ऊपर भागो तो मुझे बोलते थे वीडियो बोलो तो बोल बोल तो छड़ा भी नहीं आई हम तो छड़ा भी और राखी को भी यहाँ पे पूरी बनाने पे लगा दिया। शाबाश राखी शर्मदान बिल्कुल तो आज सभी जगह शिवालय में भंडारा है। तो एक कविता दीदी का कमेंट आया था मेरे लिए जो बुंगीधार गांव की है, तो उन्होंने बोला था हमारे यहाँ जाना जो लक्ष्मेश्वर शिवालय है उसकी वीडियो भी बनाना और हमारे गांव का आसपास का नजारा भी दिखा देना। तो आज वहां जाना मुश्किल था क्योंकि आज हमारे यहाँ भी भगवती तलिया में भंडारा था, तो फिर वहां जाना मुश्किल था क्योंकि अब यहाँ भी था भंडारा तो फिर वहां जाना आज नहीं हो पाया। किसी और दिन जाएंगे उस दिन अच्छे से दिखाएंगे आपका गाँव भी और बुंगीधार का शिवालय भी। तो खा लिया दादाजी भंडारा? ख्याल है? हाँ ख्याल कते रोटे खाए हैं बताड़ी चार पूर खा ली बन चार पूर खे हाँ चार ठीक दर्द भी आई बस दर्द को जानू दर्द अच्छा दर्द नहीं है दर्द में जानू दर्द अच्छा ठीक ठीक बस। तो भंडारे के बाद अभी सभी लेडीज लोग बर्तन धोने आ रखे हैं, पकाने का काम जेंट्स लोगों का, बर्तन धोने का काम लेडीज लोगों का। दीदी आपने बस एक प्लेट धोई है? दीदी आप दोनों ने एक एक प्लेट धोई बस? अच्छा मेरी बहन है दीदी। तो बर्तन आधे आधे बर्तन धो के चले गए और आधे बर्तन अभी धुल रहे हैं। तो कुछ लोग तो बर्तन धो के चले भी गए और कुछ लोग अब मैं अब आ रही हूँ अरविंद साहब की फोटो खींच लिए। चलो चलो उधर भाभी आपने एक ही खर्ची धोई बस, आपके बर्तन कहाँ धोगे? भाभी का कितना सुंदर डांस पते लगे सर। मनोरंजन का है भाभी तुम्हें तो बर्तन धोने के बाद अब सभी लोग चाय पी रहे हैं, पहाड़ी लोगों की चाय नहीं छूटती है ना? अच्छी मंदिर की चाय वो शिव जी की बारात है ना, वही तो चाय पीएंगे। चाय पानी सब व्यवस्था है, ये पौन अच्छी ना पौन को चाय पानी सब खान पीन होगा। अरे जाना भी देखोगा टीका पीठा होगा ना? हाँ टीका पीठा भी होगा, ये जाना भी देखो जय टीका पीठा नहीं है मैजी समझ चाहिए टीका पीठा का ना, वही टीका पीठा सुबेर मठ हुई भाई वही तो अभी बारात जाना तैयार होनी है वही तो बारात जाला हैं क्या मैं पड़े हैं तुम बिजर याद कर लावे पार्वती दगड़े से तुम्हारी पार्वती दगड़े से ना ना पार्वती मैं माँ ची शिव जी मैं पापा ची ठीक मैं पापा का मैं माँ पार्वती माया ची तू माँ ठीक ची माँ वो तो बियर नहीं पड़ी आज शिव जी मैं पापा मैं माँ बना ची। अरे बियर तो सार तुम उठ बना रहा आज गाले बेल मोड रहेगी ना सूट में बेल जल्दी बिल्कुल तभी तो ठीक से बॉडी है जी बरा तुम हाँ ठीक है बेटा मैं जी करनी है मैं जी लगा दिया क्या बिलाड़ डाल बुएड बनी है बॉडी दूरा दूरा भी होता तो भाई वही तो बॉडी दूरा भी क्या क्या बना दादी तू यार सुपेटी भी था
तुम थे मिली बटना डीठा तुम बटने आ सको हम ठीक छे ठीक छे ना तुम दगड़े राख छा राख तुम राख बाटिया गोम कलो ठीक छे ना हम दी अच्छी पीना जी इसलिए अमल कलो तुम हार सके ना तुम जानी मिनी ठीक छे हां न्यू 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 लिखाना दादी मां दादी न्यू तुम लिखाना आप न्यूज के पैसे लिख रहे हो न्यूज पैसे लिखना जी सीधी न्यूज अच्छा न्यूज पैसा 300 लिया आपने 300 मैंने न्यूज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ठीक है वही तो बिल्कुल नहीं न्यूज में नहीं हिसाब रखेंगे बिल्कुल। तो सभी लोग बोल रहे हैं बला शिव जी की बारात है तो इसलिए सभी अभी हम बराती चाय पी रहे हैं। तो मैंने कहा आज के शिव जी मेरे पापा है और पार्वती मेरे माँ है, मतलब मेरे मम्मी पापा की बारात हो रही है। और तो इसलिए गढ़वाली में मजाक, जो गढ़वाली लोग हैं पहाड़ी लोग उनको तो समझ आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। बाकी ऐसे ही सबको काम बांट रहे, कोई मिठाई बांटने का काम करेगा, कोई टीका लगाने का, कोई जो शादी के दिन न्यूता लिखा जाता है उसका काम करेगा। तो ऐसे सबको काम बांट रहे। बाकी मैं बोल रही हूँ आज मेरे मम्मी और पापा की बारात है, तो ये बस थोड़ा बहुत मजाक है। तो इतना मजाक तो चलता ही है सबके साथ, आज थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेते हैं। तो आज की दुल्हन बन गई है दादी और दूल्हा बनी है ताई जी। विदाई हो रही है और दुल्हन बनी है दादी और दूल्हा बनी है ताई जी। आ जा आ जा बेली घुंघटे हटाओ पांच मांग दी गए मांग दी गए नाच ले गाना गावा बेला बे तलिया में चार कुर्सी ले रखी है और मैंने इन दोनों को भी बोला, राखी को भी बोला कि ऊपर ले जाओ। तो हम तो लाए रहे थे कुर्सी और इन्हें देखना जगह जगह ऐसे कुर्सी रख के और फिर बैठ जा रहे हैं। बोलो अच्छी सजानी क्या मजा आनी है यार तू बकवास कर। चलो उठा अच्छी कुर्सी चलो 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 भगवान जाने जितने डॉलर तो जो भी वीडियो मंदिर में बनाई गई थी जिसमें दादी को दुल्हन और ताई जी को दूल्हा बनाया गया था, तो ये वीडियो मजाक के तौर पे बनाई गई थी क्योंकि ऐसे सभी लेडीज लोग मतलब इकट्ठा बहुत कम होते, कभी कभी ऐसे ही मौकों पे होते, तो थोड़ा बहुत उन्होंने बोला आज मजाक कर लेते और मेरा भी सही हो गया, वीडियो बन गया और मजा बहुत आया। वीडियो में शायद उतना मजा नहीं आ रहा होगा आप लोगों को जितना सामने मजा आया था, क्योंकि अब हर चीज तो कैमरे में नहीं आ सकती, लेकिन पर बहुत अच्छा लगा उन सबको ऐसे, मतलब सही लगा उनको भी ऐसे छोटे बच्चों की तरह या मतलब हमारी तरह ऐसे मजाक करके देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनका भी बचपना देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब भी वो ऐसे मतलब ऐसे जब भी अब सब इकट्ठा होते तो ऐसा छोटा मोटा वो मतलब खेल ऐसा कर ही लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो में हर चीज नहीं दिखाई, हर चीज का मतलब दिखाया मैंने लेकिन वीडियो में उतना मजा नहीं आता जितना सामने देखने में मजा आता है। बाकी ये वीडियो मजाक के तौर पे थी और अब आज का अच्छा खासा व्लॉग बन गया, इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, धन्यवाद।